प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नदी और पहाड़ों से अपनी पहचान रखने वाला झारखंड, जिसकी ज्यादातर नदियां प्रदूषित हो गई हैं। प्रदूषण के स्तर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नदियों का पानी पीने के लिए तो छोड़िए, जलीय जीवों के लिए भी ठीक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत जल स्रोतों की गुणवत्ता पर कराए गए सर्वे में यह रिपोर्ट सामने आई है। बोर्ड ने राज्य की 6 नदियों को अपने सर्वे में शामिल किया है, जिसमें दुमका की कुरवा और धनबाद की जमुनिया व कतारी नदी शामिल है। इसके अलावा जमशेदपुर की खरकई, मनोहरपुर की कोयना के साथ साथ राजधानी रांची की स्वर्णरेखा और हरमू नदी के जल की गुणवत्ता की जाँच की गई है। जाँच में नदियों के जल में ऑक्सीजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, नाइट्रेट और कॉलीफॉर्म की जांच की गई है। हरमू नदी के पानी में ऑक्सीजन का स्तर मात्र 2 मिलीग्राम प्रति लीटर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है। यह जलीय प्राणियों के लिए भी खतरनाक है। पानी की बूंद में 5 मिलीग्राम कम से कम ऑक्सीजन की मात्रा जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर 1 से 2 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो मछली भी नहीं रह सकती। BOD ऑक्सीजन की यह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थ के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होता है। इससे यह पता चलता है कि जलीय प्राणियों की संख्या बढ़ रही है या नहीं। जल प्रदूषण की मात्रा BOD से मापी जाती है। BOD की मात्रा जितनी अधिक हो, जल में ऑक्सीजन उतनी तेजी से घटेगा। इससे जलीय जीव का दम घुटने लगेगा। पीने के पानी में BOD 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन झारखंड की किसी भी नदी में BOD 2 से नीचे नहीं है। हरमू और स्वर्णरेखा नदी की जांच में पाया गया है कि यहां 100 मिलीलीटर में 1600 से अधिक बैक्टीरिया हैं। यह पीने के लिए काफ़ी खतरनाक है। सामान्य गाइडलाइन यह है कि किसी भी तरह के गंदा पानी में 1000 से अधिक बैक्टीरिया 100 मिलीलीटर पानी में नहीं होना चाहिए। इससे अधिक होने पर आसपास रहने वालों के लिए भी यह खतरा है। 2004 में भारत सरकार के नगर निगम विकास ने एक ऐसी कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 500 MPN प्रति 100 मिलीलीटर में अधिक कोलिफॉर्म को नुकसानदेह बताया था। जांच में पाया गया कि उपरोक्त सभी नदी का pH सामान्य से अधिक है। ISO की रिपोर्ट के मुताबिक जिस पानी का pH 7 से अधिक होता है, वह पीने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। pH लेवल 7 हो जाने पर पीने के पानी का अम्ल और क्षार दोनों नष्ट हो जाता है। इससे अधिक pH लेवल का पानी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।